शायद कि जिंदगी में पहली बार आप सुन रहे हो। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं दुनिया 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 दुनिया, लेकिन किसी ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि दुनिया का मीनिंग क्या होता है। इस आलम को दुनिया क्यों कहते हैं? तो दुनिया के मानी होता है ज्यादा करीब होने वाली चीज, क्योंकि ये दुनिया हमसे बहुत ज्यादा करीब है, हर चीज हमसे करीब है, आखिरत हमसे बहुत दूर है। तो जो चीज करीब होने वाली है या करीब है हमसे, हम उसको दुनिया कहते हैं। अहले लुगत ने इसका ट्रांसलेशन डिक्शनरी के अंदर यही किया, करीब वाली चीज हो, करीब होने वाली चीज को दुनिया कहते हैं, क्योंकि ये आखिरत के मुकाबले में बहुत करीब है, इसलिए इसे दुनिया कहते हैं। और आखिरत बहुत बाद की चीज है, इसके लिए हम इसको आखिरत कहते हैं। तो दुनिया करीब होने, और आदमी की फितरत में अल्लाह ने ये चीज रखी है कि वो जल्दी चाहता है। वकान अल इंसान अजूला, कुरान ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इंसान को जल्दबाज पैदा किया, वो चाहता है, जल्दी चाहता है, हर चीज के अंदर उसकी फितरत में वो चाहता है सारी चीजें अभी मिल जाएं। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और मुस्लिम लोकेलिटी के अंदर इजी मनी का जो शौक चल पड़ा है, जिसकी वजह से गलत रास्ते की तरफ बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन वाले इलाके में नौजवान ड्रग्स और गलत कामों में चले गए हैं, उसकी वजह यही है, इजी मनी, जल्दी से सब कुछ पाना है। इसलिए कि ये दुनिया का मतलब ही ये होता है, जल्दी करीब होने वाली चीज को। जबकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो चीज बता रहा हूं उसको ज़हन में रखिएगा, वो ये है जो चीज जल्दी है यानी दुनिया, ये खत्म हो जाने वाली चीज है, ये परमानेंट रहने वाली चीज नहीं, और यहां की सारी चीजें भी टेम्पररी हैं, खत्म होने वाली है, लेकिन आखिरत ऐसी जगह है जो परमानेंट है, यानी वहां अगर अल्लाह ने किसी को जन्नत में दाखिल कर दिया तो वहां वो परमानेंट रहेगा, वहां की खुशी भी परमानेंट, वहां की नेमतें भी परमानेंट, वहां की सारी चीजें भी परमानेंट हैं।